तो मेरा ख्याल डिसीजन फाइनल हो गया, तो बस मेरी अनाउंसमेंट हो गई कि नादिया जमील की पहली गाड़ी दैट शी इज गोइंग टू बाय एवर इज गोइंग टू बी अ बाइक। अच्छा बस उनको बता दे मैं पहुंच गया, बाहर ही खड़ा। मुझे एक डॉक्टर साहब का फोन आया ना कि मशवरा चाहिए, बड़े मशहूर डॉक्टर थे। हाँ। मैंने कहा सर फीस, कहते क्या मतलब? मैं कहा सर आपके पास आओ, 8 महीने का वेट करना पड़ता है और फीस देनी पड़ती है, हम इस चीज़ के डॉक्टर हैं तो फीस तो देनी पड़ेगी, तो सिर्फ आपको भी फ्री में नहीं मिलेगा मशवरा, खाना खिलाना पड़ेगा। डन, हमारे पास सारी पुरानी है, नई कोई नहीं है, और इट्स एन एस क्लास 1996। विंटेज आल्सो अपील्स टू मी। ये भी विंटेज कैटेगरी में गई नहीं, बट क्लोज टू विंटेज, इट्स 1996, बट द शेप इज नॉट बड़ी। मुझे तो मर्सिडीज की जो एस क्लास है, दिस नाइस स्क्वायर लुक इन द फ्रंट ना, ऐसे ही है। इसको पाकिस्तानी लोग टैंक कहते हैं, असल में ये टैंक नहीं, लेकिन इसको टैंक शेप कहते हैं। आए ना जी, तो मेरी ड्राइविंग नहीं टेस्ट कर रहे आप? नहीं नहीं, अभी हम वापसी पे कर लेते हैं टेस्ट। मैं सोचा मैं गाड़ी चलाऊंगी, क्या करूंगी, पार्क व्हील्स पे आ रही हूं, पीछे कैसे कर सकती हूँ? ये सामने आपकी पूरी सीट बनी हुई है, यूं करनी है मैंने। वो जो आप जो भी चीज़ हिलाना चाहते हैं इस डेंटिस्ट चेयर में, जो चीज़ हिलानी है आप वो हिला लें, हिल जाएगी। नहीं ऐसे नहीं हो सकता कि ना, ऐसा नहीं हो सकता कि ना हिले, ये मेरी गाड़ी है, इसकी चीज़ें चलनी चाहिए सर। वाओ, ये रहता है कि आपके घर आने के चक्कर में मुझे ऑफ रोडिंग करनी पड़ गई। म्यूजिक सिस्टम कैसा है? म्यूजिक सिस्टम मैंने उतारा है इसका, पुरानी गाड़ी है ना, पुरानी गाड़ियों की बैटरी जो है ना पी जाती है, बिकॉज ये खड़ी रहती है। एंटी क्लाइमेक्स कर दिया आपने। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपकी डेली कितनी ड्राइव है, मैं आपको अभी सही मशवरा दे और लोगों को भी पता लगे। मेरी है डेली ड्राइव, मेरी मैं जाती हूँ शालीमार लिंक रोड तक रोज, जुमेरात और जुमे को तो मेरा शालीमार लिंक रोड पे पूरा दिन का काम होता है। मेरी सबसे लॉन्ग ड्राइव जो होती है शालीमार लिंक रोड तक होती है, कभी कभार मैं इस्लामाबाद चली जाती हूँ। मैं जहाँ मर्जी जाना चाहूँ, मैं ऐसी गाड़ी चाहिए कि मैं बस बैठ के चली जाऊँ। नहीं तो बीजे 40 हर जगह जाती है, मैं तो सिर्फ फ्यूल कंपैरिजन के इसलिए बता रहा हूँ। बीजे 60 अपेरेंटली फ्यूल कम खाएगी, यही मुझे अली बता रहे थे। मसला ये कि देखें अगेन, हाइब्रिड गाड़ी जो है ना वो उस बंदे के लिए जो रोज की 100 से ज्यादा किलोमीटर गाड़ी चलाता है, आई डोंट थिंक कि आप 100 किलोमीटर चलाती होंगी, तो 60 किलोमीटर में बीजे 40 विल गिव यू 5 की एवरेज, 12-5 नहीं बट 10 आ रहा है ना बीजे 60, 10 का एवरेज अपेरेंटली, 10 और 12। अगर आपने शालीमार लिंक रोड जाना है तो आपकी डेली की ड्राइव मैक्सिमम मेरा, अगर मेरे बच्चे हैं, मैं बच्चों के साथ आई वर्क इन शेल्टर्स एंड ऑर्फनेजेस, 10-10, 20-20 बच्चे आके बैठ जाते हैं गाड़ी में, उनको इतनी कितना मजा आएगा उनको बीजे 60 में सैर करते हुए। बीजे 60 कौन सी? मैंने बीजे 40 देखी है। ये साज कार की नई गाड़ी आ रही है बीजे 60, एक तो टैंक है, बाइक की नई आ रही है बीजे 60। बीजे 60 वो आपने देखी है? मैंने, उन्होंने सिर्फ उसके बारे में बताया है। और वो हाइब्रिड? हाइब्रिड नहीं है, लेकिन वो पेट्रोल बेहतर करेगी इससे। बीजे 40 ही के अंदर एक नया वेरिएंट आ रहा है जो कि 6 स्पीड से उसका गियर बेहतर है, वो बेहतर कर लेगी एवरी बीजे 60। 40 प्लस ही मुझे पता है उसका। अच्छा, मुझे बीजे 60 का बताया गया। अच्छा, एक तो उनकी टैंक आ रहा है, टैंक आ रहा है, टैंक 500 है और एक और है, लेकिन वो मेरे ख्याल में अगले साल तक से पहले नहीं निकलेगा, if I'm not right. बिल्कुल ऐसे ही। बीजे 60 आई थिंक कुछ महीनों तक शायद निकला है। आपके हवाल के प्रोग्राम में आपने एक बात बताई थी, आपने बताया था कि अगर आप शहर के अंदर चला रहे हो तो फिर बेहतर है, अगर आप लंबा सफर कर रहे हो तो फिर। हाँ जी, हाइब्रिड दुनिया में ये टेक्नोलॉजी हाइब्रिड का फायदा है ना, मैंने देखा भाई, आपने बिल्कुल सही याद किया। हाइब्रिड मोटर प्लस जो है ना इंजन जो है वो दोनों की पावर कंबाइन कर लेते हैं, और जहाँ पे आप रिफर्स करें अभी कंजेशन आ जाएगी तो गाड़ी ऑटोमेटिकली जो है इंजन बंद हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक पे चलना शुरू हो जाएगी, तो आपको फ्यूल इकोनॉमी इकट्ठी मिलती है। जैसे आप कह रही ना आपको इस्लामाबाद जाना है ये वो, तो लॉन्ग पे बीजे 40 आपको दे देगी 8-10। लेकिन कुछ 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 ये है, वरना देखो आई कैन बाय कल्टस, अगर मैंने इसके लिए कार शुड बी यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए, अगर मैंने यहाँ से वहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी में एक साबुन की डिब्बी में बैठ के जाना ही है, तो फिर वो तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ। नहीं नहीं, कल्टस इज नो फन, आप ये कह रहे हैं कि जिंदगी एंजॉय करनी, इंसान वो लेना चाहता है जो उसके दिल को भाता है। मुझे जीप भाती है, आई लाइक टफ कार्स। वैसे जिस तरह का आप बता रही हैं कि आपको ऑर्फनेज में भी जाना है, ऑफ रोड इवन विंटेज में आई लाइक द फोर्ड मस्टैंग काइंड ऑफ लुक, आई लाइक टफ, आई लाइक द ओल्ड शेवरले। समझ गया। सो एक तरफ मसल और क्लासिक आ गई, बट अभी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उससे मुझे लग रहा है आपने कभी पाकिस्तान की जो नेशनल कार बनने वाली, मुझे लगता है वैसे रिवो डाला नहीं चलाया? नहीं, वो क्या है? टोयोटा का जो रेवो होता है, नहीं, हाइलक्स ट्रक जो है टोयोटा का, नहीं, आई थिंक दैट जो उसका जो पर्पस है जो आप बता रही है ना कि आपको ऑफ रोडिंग पे भी जाना है, कहीं भी जाना है, पावर भी चाहिए, कंफर्टेबल, यस फॉर ड्राइविंग सीट तो बहुत अच्छा कंफर्टेबल है, पिछली सीट वाला थोड़ा शायद उसकी क्योंकि स्लांटिंग ऐसी है तो वो बंदा थोड़ा पीछे वाला तंग हो सकता है, लेकिन अगली के लिए हाउ मच इज इट? 1.5 करोड़ रुपए की है, और उसकी फ्यूल एवरेज भी 10 की आती है, इट्स अ डीजल, और बाइक जितनी प्यारी है वोंट बी दैट ब्यूटीफुल, बट तो फिर मैं बाइक ही क्यों ना लूं, हाफ का फर्क है। अच्छा, मुझे बताएं, मैं पैसे जमा करके अपना गुर्दा बेच के खरीदूं या मैं लीज करूं? लीज होगी नहीं, पाकिस्तान में लीज का लूर ये नया आ गया है कि 30 लाख से ज्यादा आपको फाइनेंसिंग नहीं मिलनी, तो 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी में जहाँ आपने 1-20 डालने वहाँ गुर्दा किडनी कुछ बेच लेंगे, 30 और ही आ जाएंगे, तो फायदा कोई नहीं है।
तो लीज तो छोड़ दे, फायदा कोई नहीं। 30 लाख रुपए के आपने लीज कराना। इस पे पानी पीने का डिहाइड्रेट हो गई हूँ सुन के। गर्मी लग रही है। नहीं नहीं वो गाड़ी की उसकी पैसों को सुनकर डिहाइड्रेट हो गई। खैर तो मैं आपको बता रहा हूँ जो है ना BJ40 का, अली को लेना लाइव। मैं लेता हूँ अभी। BJ40 की 5 एवरेज है और रेवो की एवरेज है 10। रेवो टफ बड़ा, आपने देखा होगा कैमरी में हाइलेक्स जो होता है, हाइलेक्स जो होता है मतलब सदियों से एक ही हाइलेक्स आ रहा है बस उसके अंदर कभी ये रहा। पीछे कुत्ते भी बैठ सकते हैं। हाँ जी कुत्ते भी बैठ सकते हैं, बकरा कुत्ता कुछ भी करते हैं लोग हमारे यहाँ पे लोगों को बिठा लेते हैं। वैसे तो इतनी रफ गाड़ी है कि आप जहाँ मर्जी ले जाएं, कच्चे में उतार दें, दरिया में उतार दें। जितनी प्यारी नहीं है। प्यारी नहीं है ऑब्वियसली, देयर इज ऑलवेज ट्रेड ऑफ। ये मैं बताऊंगी साजकार की गाड़ियाँ बहुत प्यारी है। हाँ BJ40 इवन द हैवल इज वेरी ब्यूटीफुल। हैवल A6 भी मैंने चलाई, वो भी बहुत अच्छी है। वो तो मैंने आपको चलाते हुए देखी ना, आपने प्रोग्राम देखा। मैं यही कह रहा हूँ अगर आपको लॉन्ग हॉल कभी कभी जाना है तो फिर तो BJ40 इज परफेक्ट फॉर यू। आपको पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर मौजूद हैं। मेरे साथ नादिया जमील मौजूद हैं, हम दोनों एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी BJ60 आ रही है। मैं कह रही ये इन्फॉर्मेशन मेरे तक तो नहीं आई, मैं जरा अभी पता कर लेता हूँ। एक तो मैं आई एम स्टार स्ट्रक अली साहब, बिकॉज मैं आमना से मिली और मैं आमना से इसीलिए मिली कहने के लिए खास तौर पे आमना को कि आई एम इन लव विद द बाइक। आई एम नाउ ओवर एंड अबव 50 एंड आई वांट टू बाय माय फर्स्ट कार एंड मेरा दिल अड़ा हुआ है बाइक पे, अड़ा हुआ है बाइक पे। तो फिर मुझे आपके लिए तो रेड कलर की बाइक होनी चाहिए, है ना? नया मॉडल आ रहा है इसका, वो बहुत बेहतर है उससे। वो BJ40 है कि 60 है यार, ये क्लियर कर दे। मैंने तो BJ40 60 नहीं है, 60 कोई नहीं आ रहा। छा गए आप, छा गए। 16 नहीं आ रही, टैंक 500 जरूर आ रही है, पर वो सीबीयू में आएगी तो बड़ी महंगी होगी। और सर ये नई BJ40 है, ये कंज्यूमर के लिए कब से अवेलेबल होगी जो नई वाली आई हुई? सुनील भाई फिटे पहुंच गई है सर, बट अभी मेरे पास ना पुरानी वाली कुछ पड़ी नहीं है जिनकी शॉर्टेज है। वो शॉर्टेज जैसी पूरी होती है वो मार्केट में निकालूंगा फिर इसको अनाउंस। और आप खुद चला रहे हैं तो इसकी फ्यूल एवरेज में कितना डिफरेंस है पहले वाली से? 1.5 किलोमीटर का फर्क है। सही है। पहले वो मेरी करती थी 6 जी, 6.5, ये 8, 8.5 पे आ गई है। और प्राइस में कितना को फर्क होगा नए वर्जन में? तो ये मेरा ख्याल है कि 12 के करीब आएगी, 12 मिलियन के करीब। और अली साहब ये कब तक आएगी? मार्च एंड हो जाएगा। ठीक है। नहीं जहां मैंने पचास साल वेट किया है वहाँ 2 महीने और वेट कर लो। 2 महीने और वेट कर लो। मोस्ट वेलकम। डन। थैंक यू सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। देखा, दैट्स इट। Decision made. You would love it. मतलब उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो मेरा ख्याल है decision final हो गया। तो बस मेरी announcement हो गई। नादिया जमील की पहली गाड़ी that she's going to buy ever is going to be a bike BJ40+. BJ40+ है, 60 नहीं है। मैं उस time से ना, मैं जब से आप बैठी गाड़ी में, मैं अपने आप को कोस रहा था कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ दुरुस्त कर लूँ या अपने आप को दुरुस्त करूँ। ये गलत इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे अली ने दी है। हाँ मैं परेशान था, मैंने कहा नहीं, मैं फिर मैंने आपको कहा टैंक आ रही है और किटकैट भी सब पता है, ये BJ60 मुझे क्यों नहीं बताई? मुझे अंदर अंदर से बढ़ चढ़ा था अपने अली के ऊपर। अच्छा जो अगर पैसे की बात आप करें ना, पाकिस्तान में देखें अगर आपने प्राइस बॉन्ड लेना है और समझे कि गाड़ी महंगी महंगी हो जाए तो वो तो हर गाड़ी महंगी होगी। आज आप बाइक 1.20 की लेंगी, कल को डॉलर ऊपर चल जाएगा वो 1.40 की हो जाएगी। लेकिन अगर आपने प्राडो 1.20 की ली होगी वो 2 की हो जाएगी। सो उसमें इंक्रीज ज़्यादा होता है बिकॉज इट्स पीपल्स कार। तो टोयोटा जो है ना उसका ये फ़ायदा है। अच्छा। बट अगर आपने इन्जॉय करना है जो आप बता रही हैं कि आपकी पहली गाड़ी है और 50+ होकर आप पहली गाड़ी ले रही हैं तो मत सोचें। ये ज़रूर है कि बाद में वो जो लोग हैं वो आपको कहेंगे देखा सुनील के कहने पे ली है तो 1.20 वाली 1.40 की हुई है, वरना एक प्लॉट निकल आता। तो उसके लिए आप प्लॉट अलहदा ले लें। आइए जी, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, सुनील इमरान भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा जी, तो ये आपकी फेवरेट जगह है निशात कैफे? ये अली अरवरी हम दोनों की फेवरेट जगह है। क्या मतलब है आप पक्की लाहौर से हैं? ओह माय गॉड, मैं गवर्नमेंट कॉलेज के ज़माने से निशात पे आ रहा हूँ। फेवरेट क्या है यहाँ पे खाने में? मगज टकटक और चांपे, चने, मसाला वाला नान। चने तो साथ वो तूबा के चने मिलते हैं ना, अगर तूबा के चने छोले वहाँ से मिलते हैं ना, फिर जीरे वाली दही। तो गेम ऑन करनी पड़ेगी। ऑर्डर दें इमरान भाई, ले आए चांपों की टकाटक अलग, चांप टकाटक एक कर लेते, मगज की टकाटक अलग, दो काफी, दो चीजें काफी मेरे ख्याल। तो बाबू की चांपें खानी है नहीं खानी? चने चांप टकाटक नहीं, चक नहीं रहने, चने रहने देते हैं, चांप टकाटक कर लेते हैं और मगज कर लेते हैं। और तीसरी चीज आप क्या कह रहे थे? मेरे लिए ये काफी है, वरना बस ये वरना इनकी वो बड़ी अच्छी होती है। अगर आपका चॉप्स का स्पेशल भी अच्छा होता है, इनका चॉप्स भी बड़ा मजे का होता है।
चॉप्स कटक कटक नहीं, इनका बारबेक्यू चॉप जो है ना मेरे पास होनी चाहिए। तो कमाल है। अच्छा, और यहाँ पे कोई भी होना, कहीं भी किसी को लाना हो खाने पे, मैं सबसे पहले निषाद आते हैं। स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ देयर फूड ओवर द लास्ट पता नहीं कितने साल हैज बीन सो अमेजिंग। कई लोग मक्खन में खाते हैं, मैं देसी घी में बनवाती हूँ, और यहाँ का तो अनबिलीवेबल क्वालिटी गोश्त का। मगर 25 साल से तो मैं आ रहा हूँ, कैम्ब्रिज में कुछ भी हो जाए ये नहीं मिलता। खाना मैंने एक्स्ट्रा खा लिया, अब टेंशन ही हो रही है कि इसको हजम कैसे करना। पैदल चलना, वॉक करके जाऊँ? मैं गाड़ी ले जाती हूँ, आप पीछे वॉक करके आ जाए। मैं ऑटोमेटिक नहीं चलाती, आज इनकी गाड़ी पे सीखती हूँ ना, मैं ऑटोमेटिक सीखती हूँ ना। सीखने के लिए भी मतलब लक्ष्मी चौक पे सीखनी है, ताकि इधर ही चौक पे लगा के छोड़ जाए, सीख के लक्ष्मी चौक पे किसी और दिन सीखते हैं। मोटरसाइकिल सीखे, मैं मोटरसाइकिल सीखने के लिए बड़ी आला वीडियो गाड़ी में कहा था ये गाड़ी चलाएंगे ना, यहाँ से निकल के आप चलाएं। देखिए मैनुअल या ऑटो में से बेसिक चीज रोड साइड है, और मैनुअल ज्यादा मुश्किल है, तो ऑटोमेटिक तो यू अडॉप्ट वेरी इजीली। हमारे आने से बारिश ही शुरू हो गई है, जो कि एक अच्छी बात है। आज और कल बारिश होगी तो मौसम बेहतर हो जाएगा। जो आपका फैन है वो बावला हो रहा है कि जी मैं जी राकू ये बात करो, मैं आपको मैं स्पीकर फोन होल्ड ऑन राके राके जी। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं जी सर? बस आपके बड़े फैन है, आपकी डेली वीडियोस बता रही थी आपकी मम्मी, मुझे बता रही थी कि आपने उनको पार्क पीस डाउनलोड भी कराया और दिखाया भी है, तो इंशाल्लाह अगली बार आता हूँ तो मुलाकात भी करते हैं। मुझे आपसे भी एक रिक्वेस्ट है छोटी सी। जी 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 आप मामा को कन्विंस कर लेंगे जो C63 है ना, बड़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली फैमिली कार है। ये आपने थोड़ा सा लेट कर लिया कि आई हैव टोल्ड हर अदरवाइज लिटिल भाई लगो, उन्होंने बड़ी स्मार्टली पूछा, ये नहीं बताया कि मेरे बेटे को बताने मुझे C63 क्या होती है, बताया कि वो पटाखे मारने वाली एक मशीन होती है। इन्होंने पहले पूछ लिया है मेरा सारा। नहीं सर, लवली स्पीकिंग टू यू। सेम हियर, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। डन है सर, ओके, अल्लाह हाफिज़। C63 कल ही मुझे किसी ने कल कहा पार्क व्हील पे लगी हुई है गाड़ी, आप ले लें। मैं कहा मैंने नहीं लेनी भाई। क्यों नहीं लेनी? 1,25,00,000 रुपए नहीं है मेरे पास एक सी क्लास के ऊपर खर्चने के लिए, मैं पुरानी एस क्लास ले लूं बहुत बेहतर। सी क्लास, एस क्लास वगैरह क्लास क्या होता है? सी इज द स्मॉलेस्ट वन, ई उससे बड़ी, एस से बड़ी, एस है नहीं, साइज वाइज क्लासेस है ना, डिफरेंट सीरीज होती है। सो ये एस क्लास है, दिस इज द टॉप लाइन ऑफ मर्सिडीज। सी क्लास छोटी सी होती है, होंडा सिटी के साइज की होती है सी क्लास। तो मैं पंजाबी हूँ, पंजाबी कहते हैं बड़ी चीज बड़ी होती है। अच्छी मैंने एस क्लास रखी है, इसलिए बड़ी होनी चाहिए। मेरा भी यही हाल है ना, गाड़ी बड़ी अच्छी होती है, बड़ी कार होनी चाहिए, बड़ी गाड़ी और वो जरूरी है। पावे मैं अंदर चूहिया लगूं? ये आपने मुझे चूहिया कहने की कोशिश की? नहीं आप हंक हैं पूरे, मैंने अपने आप को देखा था, मैं बाइक पे बैठी थी। ऐसे कहते सर आप चूहिया कहते हैं? कहते हैं नहीं, मुझे नहीं कहते आप यार। नहीं ये एक तो मीम मटेरियल निकाल दी ऊपर से, कह रहे हैं कि मैं अब हंक कहते हैं आप हंक। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, चूहिया मैं लगती हूँ बाइक में मैं बैठी। नहीं वैसे आपने सच बोला, वैसे देखें मैं भैया बाइक में मैं बैठी हूँ, और मैंने ना अली को कहा है बाहर से जरा मेरी तस्वीर तो खींचना, जरा मैं कैसी लग रही हूँ बाइक में, इतनी प्यारी गाड़ी, बीच में एक चिरोजा बैठा हुआ। मैंने कहा यार ये सही तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी दिल मेरा आ गया उसका। फिर आपने बाइक में कौन सी बाइक चलाई? बाइक चलाई आपने फिर कि नहीं? अभी तक आप कहते हैं आपके ड्रीम में बाइक भी शामिल है। बाइक चलानी आती? चलानी नहीं आती ना, मैंने सीखनी है। होंडा चलाई चलाने की कोशिश की थी मैंने पहाड़ों में। बाइक तो कोई भी है, होंडा है या मतलब कोई भी ब्रांड, मुश्किल होती है नहीं, सीखनी? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने भी बड़ी उम्र में जाके सीखी। पहले स्कूटर, स्कूटर के साथ सीखूं कि पहले बाइक पे शुरू? स्कूटर जो है वो मुश्किल होता है। अब ये जो नए इलेक्ट्रिक बाइक आए ना, इसमें तो गियर भी नहीं है, इसमें सीखना कैसे? आपको साइकिल चलानी आती है? बिल्कुल, बैलेंस करना आता है। बिल्कुल, तो इलेक्ट्रिक बाइक लें और चलाएं फिर, एनवायरनमेंट फ्रेंडली सुकून से। यहाँ पे आपने कहीं लोकल घूमना भी है तो बेहतरीन चलती है, बेस्ट है। हेलमेट के बगैर नहीं चलानी, लेकिन बाकी ठीक ठीक बिल्कुल। वो तो जी मेरी दोस्त है ना बहुत अच्छी, रोजी गैब्रियल। अच्छा, वो हैवी बाइक चलाती है, मजा में रहती है। आजकल लाहौर आई हुई है, तो अगली बार जब आप हम करेंगे ना एपिसोड, रोजी को भी ले जाएंगे चाहिए वहाँ पे ऑर्फनेज, दान करें। कमाल की खातून है वो, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए कितनी खूबसूरत, मतलब लुक एट द आर्किटेक्चर। आपको पता है ये आर्किटेक्चर और दिल्ली में भी पहाड़गंज का जो एरिया, ये दोनों ट्विन्स हैं आपस में, लाहौर में। अच्छा, आई थॉट दिस वाज दिल्ली पहाड़गंज, बिल्कुल सेम। आई थॉट कनॉट प्लेस जो है दिल्ली। हां जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, पहाड़गंज कनॉट प्लेस, वो सारे साथ साथ ही है, बिल्कुल उसकी कॉपी। ये देखिए बिल्कुल कनॉट प्लेस नहीं लग रहा। हाँ, और ये इसकी अच्छी बात है कि एक चीज के बारे में हमने कोई पॉलिसी बनाई हुई है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, पता आपको? ये पॉलिसी है। हाँ जी, शुक्र है। यहाँ पे आप मॉल रोड के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, शुक्र है। मॉल रोड के इधर एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था ना, तो गवर्नमेंट कॉलेज से रोज वापसी का ये रूट था, और जरा ना एक पुराने जमाने की फीलिंग, ये बिल्कुल रेली में यहाँ से गुजरता था, क्या ग्रीनरी है। हम लोग हमारे जमाने में ना होता था लॉन्ग ड्राइव्स, ठीक है, हम लॉन्ग ड्राइव पे आते थे यहाँ पे, लॉन्ग ड्राइव पे अलीगढ़ में। आप कौन से कॉलेज से पढ़ी हुई वैसे?
मैं लकास। हाँ तो फिर मम्मी डैडी बच्चे यार, लकास तो बहुत पुरानी ही बात है। स्कूल कौन सा था? ए लेवल? दो लेवल कॉन्टिनेंटल सीजन मेरी पीछे है तो मैं हूँ मम्मी डैडी। सीजीएम तो ये पीछे है बिल्कुल, डेविस रोड पे। हाँ जी, साथ डेविस रोड आ गए। मुझे सीजीएम से भी एक बार गुंडागर्दी के लिए निकाल दिया गया था, फिर मुझे वापस डाल। गुंडागर्दी की पादाश में नहीं कहते उर्दू में, अगर शकील उर्दू में बात करें ना फिर कैसे कहते हैं? तो गुंडागर्दी की पादाश में आपको निकाल दिया गया। गुंडागर्दी की पादाश में वजह से ना, पादाश में तो वहाँ से निकाल दिया। उसके बाद कॉलेज कौन से गए आप? उसके बाद लकास में एक साल थी, डेढ़ साल। फिर वहाँ से अमीन अब्बू ने लंदन भेज दिया, वहीं से सब कुछ हुआ। इतना अमीर होना चाहता हूँ कि लंदन ही भेज दे कोई मुझे भी। लंदन में मेरा फ्री है ना कॉस्ट पढ़ाई। ये भी ठीक है, चाहे तो फिर भी है ना। खाला के यहाँ रही, और साड़ी खाला भी लंदन ही रहती। हमारी गलती है। नहीं ठीक है, अमीर होना क्या होता है? अमीर नहीं, मजाक कर रहे हैं। अमीर तो इंसान दिल से होता है, वही बात। जो दिन आप दिन अल्लाह का शुक्र अदा करें, जो जिंदगी में दिन अच्छा है, अब आज देखें बारिश हो रही है, अल्लाह का कितना शुक्र अदा करें। उतना लाइक ऐसा मैं जानती हूँ लोगों को जिनके पास इतनी गाड़ियां हैं घरों में खड़ी हुई, लेकिन वो अपने आप को गरीब समझते हैं। ऐसे ही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने बड़ा अच्छा खाना खिलाया और हमने आपको मशवरा दे दिया। अब आपकी जब गाड़ी भी आएगी तो उसका भी हम रिव्यू बनाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट एपिसोड हम आपके साथ ऑर्फनेज जाएंगे और बरकत चाचा का पान भी खाएंगे। सो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू, थैंक यू। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, मैं आपको दोबारा शुक्रिया बहुत शुक्रिया। सो अगर अब तक आपने हमारी YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पाक व्हील्स ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोज के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राह से जरूर आगा करते रहा करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेकर अपनी वीडियोज को पहले से बेहतर बनाएं। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।